स्वागत कीजिए जोरदार तालियों और सीटियों से आपके अपने हीरो विश्वास सारंग जी का, दो दो मंत्रालय से आइए। एक और हीरो। अच्छा, रणवीर कपूर के कौन कौन फैन है यहां पर? लड़कियां और सारी लड़कियां। जयवर्धन जी आइए प्लीज, स्वागत। दोस्तों, आपकी एक और हीरो को आपके सामने पेश कर रहे हैं, इनकी बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी अभी सुनाएंगे। भक्ति शर्मा जी आइए प्लीज। हमारे इन मेहमानों से बात करने से पहले हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं वीआईटी यूनिवर्सिटी, दीनदयाल औषधि कौटिल्य एकेडमी फॉर आईएसबीएससी, सागर ग्रुप ऑफ कॉलेज, एलएनसीटी ग्रुप ऑफ कॉलेज, कॉक्स इनवियर और दिलीप बिल्डकॉम लिमिटेड, ये सब का बहुत धन्यवाद। ये तीनों कोई मामूली इंसान नहीं है। अगर तीनों की कुछ ऐसी कहानियां जो आपको गूगल पर नहीं मिलेंगी, जो आपको अखबारों में नहीं छपी है, वहां आपने नहीं पढ़ी होंगी, और जितना आप इन्हें नेता के तौर पर जानते हैं, विश्वास भाई को मंत्री के तौर पर जानते हैं, इनके काम को जानते हैं, अगर इसके पीछे का स्ट्रगल आप सुनेंगे, खासतौर से ऊपर जो युवा बैठे हैं हमारे, तो आप हैरान रह जाएंगे। शुरुआत हम विश्वास सारंग जी से करते हैं। आप ये कह सकते हैं कि आप एक राजनीतिक परिवार से हैं, आपके पिताजी बहुत बड़े कद्दावर नेता मध्य प्रदेश के हैं, ये सच्चाई है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि विश्वास सारंग ने बहुत मेहनत की है पॉलिटिक्स में आने के लिए? वो युवा मोर्चा में रहे हैं, उसके युवा मोर्चा के आप अध्यक्ष रहे हैं, उससे पहले एबीवीपी में आपने काम किया है, उसके बाद आपने पार्षद का चुनाव लड़ा है, और उसके बाद काफी इंतजार के बाद आज वो मंत्री बने हैं। वो भयंकर अपने क्षेत्र में काम किया करते थे। विश्वास सारंग वो नेता हैं जिनकी भोपाल में हर वर्ग में जबरदस्त पैठ है। विश्वास जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत कर आते हैं वो अर्बन भोपाल का इलाका है, और वहां पर मुस्लिम डोमिनेशन बहुत ज्यादा है, और वहां से बीजेपी के टिकट पर जीत कर आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हमें लगता है कि अगर आप मंत्री बन गए तो आपकी ऐशी ऐश है, लंबा चौड़ा अमला आपके साथ चलता है, सुख सुविधाएं मिलती हैं, फौज होती है, कार्यकर्ताओं की फौज, आपके फैंस की फौज, आपके चाहने वालों की फौज, लेकिन ऐसा नहीं है। विश्वास कभी किसी का इंतजार नहीं करते हैं। पिछले दिनों आपको याद होगा, बहुत बाढ़ आई थी मध्य प्रदेश में, भोपाल के आसपास रात 2 बजे विश्वास को पता चला कि पास के किसी इलाके में लोग फंस गए हैं। इन्होंने किसी को नहीं बताया, गाड़ी उठाई, खुद ड्राइव करके उस गांव में पहुंच गए, बोट पर बैठ गए और लोगों को बचाना शुरू किया। और जैसे जैसे लोगों को यह खबर मिली, तमाम लोग जुटते गए कि मंत्री जी वहां पर पहुंच गए हैं, मंत्री जी ने इस तरह का काम किया। आपके पास ही के गांव में पता चला कि एक तेंदुआ आ गया। विश्वास ने कुछ भी नहीं सोचा और पहुंच गए और एक सीढ़ी लगाकर ऊपर चढ़ गए। जब लोगों ने यह देखा, जान खतरे में थी, लेकिन लोगों का डर दहशत दूर करने के लिए यह उन्होंने किया, और उसके बाद तमाम लोग आ गए, वन विभाग के लोग आए, उसे पकड़ा। तो इस तरह के हैं आपके विश्वास सारंग। एक और बहुत बहुत एक दिलचस्प बात आपको बताएं, अभी 2 दिन पहले दोस्तों, बुधवार को आपकी बिटिया का बर्थडे था, आप चाहते तो, पता है आपको क्या, हाँ, आप चाहते तो किसी भी बड़े होटल में अच्छी जगह सेलिब्रेट कर सकते थे, बहुत सारे लोगों को बुला सकते थे, लेकिन विश्वास ने सर दीनदयाल रसोई में जाकर अपनी बिटिया का
बर्थडे सेलिब्रेट किया। और ये बात अब जब हम विश्वास भाई यहाँ आए, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और ये एक मिसाल है बहुत बढ़िया। जयवर्धन राजा है, राजसी परिवार से हैं, पिता बहुत बड़े नेता हैं, मध्य प्रदेश के मिश्रसर मुख्यमंत्री रहे एक बार नहीं उससे ज्यादा बार। जी जी ठीक है। लेकिन जब जय ने कहा कि मैं पॉलिटिक्स में आना चाहता हूं पिताजी से, तो उन्होंने साफ मना कर दिया, कहा कि नहीं आपको राजनीति नहीं करनी है। लेकिन ये अड़ गए कि नहीं मुझे तो राजनीति करनी है, तो कहा कि जाओ पहले क्षेत्र में काम करो। दून स्कूल में पढ़े हुए हैं, वहां से इसके बाद दिल्ली गए, दिल्ली में आपने ग्रेजुएशन किया और फिर अमेरिका चले गए, न्यूयॉर्क में पढ़ाई कर रहे थे। वहां से जब भी छुट्टी मिलती थी साल में दो बार आते थे और अपने इलाके में पदयात्रा करते थे। ये मेहनत है। एक बहुत दिलचस्प बात जय के बारे में हम बताएं, क्योंकि मिश्रा सर ने अभी इशारा किया कि 10 साल तक दिग्विजय सिंह जी को कौन नहीं जानता मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के विकास में विश्वास भाई भक्ति जी काफी उनका योगदान है। तो बिजी रहते थे, बहुत छोटे थे जय, पिताजी से मिलना होता नहीं था। तो एक दिन स्कूल में इन्होंने इनकी टीचर ने इनसे पूछा कि सब बच्चों से पूछते हैं ना आपके फादर क्या करते हैं, आपके पिताजी क्या करते हैं, तो इनसे पूछा तो इन्होंने कहा कि मेरे पापा दाढ़ी बनाते हैं। तो टीचर को समझ भी नहीं आया कि अरे दाढ़ी बनाते हैं मतलब शिव दाढ़ी बनाते हैं। तो खैर टीचर को बताओ तो था कि कौन है क्या है, लेकिन पूछा कि बताओ क्या करते हैं, तो इन्होंने कहा मेरे पापा दाढ़ी बनाते हैं। मतलब ये है कि जब ये पापा को देखते थे सुबह कभी कभी उठते हुए, तो वो दाढ़ी बनाकर जल्दी से निकलते हुए घर से दिखते थे, और रात को कभी मुलाकात नहीं होती थी क्योंकि बच्चे थे, ये लोग सो जाते थे और वो देर रात घर आते थे। तो ये स्ट्रगल भी है, ये सैक्रिफाइस भी करना पड़ता है। तो ऐसे हैं आपके जयवर्धन। भक्ति जी बहुत पढ़ी लिखी स्मार्ट लड़की हैं, बहुत सारी फिल्में बन रही है ना आजकल भोपाल में। नहीं मैं ये देख रहा हूं सईद भाई जी, भक्ति को आपने बोला बड़ी स्मार्ट लड़की है, तो लड़कों ने कम ताली सीटी बजाई, लड़कियों ने ज्यादा बजाई। तो भक्ति भी दोस्तों अमेरिका में पढ़ाई कर रही थी, वहां गई, उन्होंने वहां पर नौकरी की, लेकिन भक्ति को यह लगा कि ये जो चमक दमक है, ये जो शानो शौकत है, कि मेरे गांव में तो नहीं है, मेरे देश में तो नहीं है। और भक्ति ने वहीं ये फैसला कर लिया कि यही शानो शौकत, यही चमक दमक मेरे गांव में भी होगी, मेरे प्रदेश में भी होगी, मेरे देश में भी होगी, और अपनी नौकरी छोड़कर भक्ति वापस आ गई। सरपंच का उन्होंने चुनाव लड़ा, जीती और विकास भी किया अपने गांव में। अब आगे क्या है, जय जो है वो एमबीए हैं, भक्ति अमेरिका में नौकरी करके आई हैं, विश्वास भाई क्वालिफाइड इंजीनियर हैं, लेकिन सब छोड़ के पॉलिटिक्स में आने का इनका उद्देश्य क्या है, और युवा नीति आपने बनाई, और युवा नीति इन्हीं के कार्यकाल में मध्य प्रदेश सरकार ने लागू भी की, वो युवा नीति विश्वास जी है क्या, और किस तरह से मध्य प्रदेश के युवाओं को उससे लाभ आप पहुंचा रहे हैं? सईद भाई सबसे पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं, और जिंदगी में मेरे लिए इससे पहले किसी ने इतनी ताली नहीं बजवाई जितनी सईद भाई ने आज बजवाई। और इतनी सारी लड़कियों के बीच में मैं बहुत धन्यवाद देता हूं आपको। बहुत खुशी की बात है, यहाँ पर बड़ा जबरदस्त यूथ है, मैं सबको सलाम करता हूँ। सईद भाई ने कहा युवा नीति, सही मायने में सईद भाई मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैंने युवाओं के बीच में काम किया। बहुत सारे
ऐसे युवा होते हैं जो सोचते बहुत हैं, जिनमें कैपेसिटी कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है पर मौका नहीं मिलता। मैं वो सौभाग्यशाली था जिसको मौका मिला। मैंने बीजेपी के यूथ विंग में काम किया, मैं देश के स्तर पर भी मैंने काम किया, मैं प्रदेश में भी रहा। और जब मैं प्रदेश अध्यक्ष था तो हमें ऐसा कुछ लगा कि हम युवाओं के लिए कुछ करें। इस देश में ये दुर्भाग्य है, मेरी आवाज आ रही है ना सबको? इस देश में ये दुर्भाग्य है कि युवा को लेकर बहुत सारी बातें होती हैं। युवा भटक गया, युवा बिगड़ गया, युवा की दिशा कहीं ना कहीं अलग हो गई है। युवा को वैलेंटाइन डे तो मालूम है पर बाकी चीजें नहीं मालूम। पर जब ये सब बातें होती है तो मुझे लगता है कि इस देश का युवा भी विवेकानंद बनने को तैयार है। जरूरत है केवल रामकृष्ण परमहंस की। यदि इस देश में रामकृष्ण परमहंस पैदा हो जाए तो विवेकानंद भी युवा बनने को तैयार है। मेरी बात से सहमत हो या नहीं आप लोग? तो इसी बात को लेकर हमने युवा नीति बनाने का एक मिशन अपने हाथ में लिया। और मैं बताना चाहता हूं, दो मिनट में मैं खत्म करूंगा। सईद भाई, ये केवल कहीं एसी कमरे में बैठकर कोई पॉलिसी बनाने की बात नहीं थी। हमने युवा संसद की मध्य प्रदेश के गांव गांव में, और उसमें हमने हर सेगमेंट के युवा को बुलाया। हमने किसान युवा को बुलाया, हमने मजदूर युवा को बुलाया, हमने इंजीनियर युवा को, डॉक्टर युवा को, इवन पॉलिटिक्स में काम करने वाला यदि हमारी विचारधारा से अलग भी था, कोई कांग्रेस का युवा भी था, हमने उसको भी बुलाया और उससे ये पूछा कि आपकी आशा क्या है, आपकी आकांक्षा क्या है, आप क्या चाहते हो कि मध्य प्रदेश की यूथ पॉलिसी में हो। और उसके बाद हमने तीन चरण में ये पूरा प्रोग्राम किया। हमने गांव में किया, फिर जिले में किया, और उसके बाद हमने प्रदेश में किया। और उसका जो नटशेल में रिजल्ट निकला उसको हमने युवा नीति बनाया। और मैं यहां युवाओं के सामने कहना चाहता हूं, आमतौर पर कोई नीति बनती है, आमतौर पर किसी वर्ग के बारे में काम होता है तो उसमें केवल उस वर्ग के अधिकार की बात होती है। पर मुझे ये दावे के साथ कहते हुए बहुत प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश की युवा नीति बनाते समय हमने अधिकार के संरक्षण की बात तो की ही की, पर युवाओं को कर्तव्य का बोध भी हो इसका भी हमने ध्यान रखा है। हमें लगता है कि जब तक हम अपने अधिकार अधिकार की बात करेंगे तब तक काम नहीं चलेगा। हमने ड्यूटीज की भी बात की और मुझे लगता है कि उसके यदि वो युवा नीति पर पूरी तरह से अमलीजामा पहना दिया जाता है तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के युवाओं का भविष्य बहुत अच्छा होगा। थैंक यू वेरी मच। आप में से किसी ने ये नहीं सोचा कि भाई कैलाश सारंग जी मध्य प्रदेश के इतने बड़े नेता, बीजेपी में उनकी इतनी धमक इतनी पहुंच, तो आपने ये नहीं सोचा कि उनकी वजह से आप मंत्री बन गए, आपको ज्यादा मौके मिल गए? सोचा या नहीं? हाँ या नहीं? हाँ, चलो अगर एक ने भी हाँ कहा तो ये सवाल हम आपसे जरूर पूछेंगे। भक्ति जी आपके पास आएंगे और आपकी उपस्थिति, अरे 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 अरे, वो जबरदस्त फैन फॉलोइंग है आपकी। आपकी उपस्थिति भक्ति जी यहां पर इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भक्ति जी के आसपास जो दो नेता बैठे हैं उनके पास जबरदस्त बैकिंग है। हालांकि उन्होंने स्ट्रगल किया, लेकिन भक्ति जी ऐसी हैं जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था। लेकिन आपसे पहले, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा जय से बात करना भी, फिर आपके पास आते हैं। जय, दिग्विजय सिंह जी का बेटा होना फायदेमंद साबित हुआ या नुकसान हुआ कहीं ना कहीं? देखिए साहिद भाई, मैं मानता हूं अगर कोई भी ऐसा नेता हो जिसके फादर या जिसके परिवार से कोई बड़ा नेता होता है तो आपको उसमें फायदा भी होता है और नुकसान भी होता है। फायदा इसलिए होता है कि ये बात शायद विश्वास भाई भी मेरी बात से अग्री करेंगे कि आपको अवसर जल्दी मिल जाता है। और शायद यही कारण था कि मैंने भी 27 वर्ष की उम्र में तय कर लिया था कि मुझे विधायक का चुनाव लड़ना है, और उसके द्वारा ही मैं आज मध्य प्रदेश में सबसे कम उम्र का विधायक हूं। लेकिन उसके साथ साथ और ये भी बात सही है कि पहले चुनाव में आवश्यक तौर पर पिता का जो काम था, उनका जो नाम था, उनकी जो कार्यशैली थी, उससे मुझे लाभ भी मिला। लेकिन अब पहला चुनाव जीतने के बाद पूरा काम स्वयं खुद का होता है
और उसके साथ साथ जितने फॉलोअर एक नेता के होते हैं उतने विरोधी भी होते हैं। और आखिरी पॉइंट ये है कि कभी कभार लोग सोचते हैं कि जैसा पिता थे वैसा ही बेटा होगा, लेकिन हर व्यक्ति अलग होता है, अनोखा होता है, हर नेता का, हर इंडिविजुअल का काम करने का अलग तरीका होता है, एक अलग कार्यशैली होती है। और जो एक फादर की या जो आपके परिवार का जो भी नेता है उनके मतलब शैडो से बाहर निकलना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और एक विधायक होने के नाते मैं हमेशा यही प्रयास करता हूं कि मैं हर अवसर पे मैं खुद की पहचान बनाऊं। हाँ, ऑफ कोर्स मैं उनका बेटा हूं, मेरे ग्रैंडफादर भी जो मध्य प्रदेश का पहला सदन था सन 1952 में, उसमें वो विधायक बन के आए थे, तो मैं तीसरी पीढ़ी हूं। लेकिन मैं समझता हूं परंपरा एक चीज है, लेकिन आज के समय खुद की पहचान बनाना बहुत जरूरी है। और साथ में आज के समय कोई राजा नहीं है, कोई महाराजा नहीं है, लोकतंत्र में जनता राजा होती है। विधायक, सरपंच, सांसद, हम लोग एक सेवक के रूप में, एक जनप्रतिनिधि के रूप में जनता की सेवा करते, जनता का काम करते हैं, तो वहीं तक हमारी भूमिका सीमित होनी चाहिए। युवाओं को कैसे रोजगार मिले, आज यहाँ पर हजारों छात्र छात्राएं वीआईटी विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स हैं, और कोई भी स्टूडेंट इंजीनियरिंग क्यों करता है, कोई भी विद्यार्थी एमबीबीएस क्यों करता है, बीकॉम क्यों करता है, क्योंकि उनका अंतिम लक्ष्य होता है कि उनको रोजगार मिले और रोजगार के माध्यम से वो आत्मनिर्भर हो और इंडिपेंडेंट हो और उनकी अर्निंग्स बढ़े, सेविंग्स बढ़े। तो एंड रिजल्ट होता है कि हर व्यक्ति को सक्षम होने के लिए कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से मजबूत होना चाहिए। और सबसे पहली सलाह मेरे सभी यहाँ पर भाइयों और बहनों के लिए यही रहेगी, सबसे पहले खुद को मजबूत करो और आर्थिक रूप से अपने परिवार को और खुद को मजबूत करो। थैंक यू वेरी मच भक्ति जी। आप अच्छी भली नौकरी कर रही थी, बस बस, अरे सही भाई, आप ये नहीं सोचते हैं, मैं विश्वनाथन साहब से कहूंगा, मुझे लगता है कि वीआईटी में जो उनका मॉड्यूल है, जो उनका सिलेबस है, उसमें सीटी बजाना भी सिखाया जाता है। अब सुन लें भक्ति जी को, सुने हम, जानना चाहोगे ना यार कि उन्होंने क्या किया भाई। यार अमेरिका तो बहुत दूर की बात है, अगर हमें भोपाल में नौकरी मिल जाए तो हम कभी छोड़ के ना जाएं। हाँ, और आप वहां नौकरी छोड़ के आ गई, आप जो चाहे कर सकती थी, जो चाहे करियर आप अपना सकती थी, बना सकती थी, ऐसा क्या हुआ भक्ति कि आपको लगा कि नहीं मुझे गांव में जाना है, वापस लौटना है, और अगर पॉलिटिक्स करनी है तो भी गांव से ही शुरुआत करनी है, इतने बेसिक, इतनी शुरुआती, इतनी जड़ से आपको शुरू करना है, ऐसा कैसे लगा आपको, क्यों लगा? मध्य प्रदेश के यंग इंटेलेक्चुअल क्राउड को सरपंच भक्ति शर्मा की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। मैं एक एग्रीकल्चर जमींदार परिवार को बिलोंग करती हूं, और वापस आने के बाद, वापस आने का मन सिर्फ सर इसलिए बना क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे लिए सिर्फ पैसा कमाना एक बहुत बड़ा एम या मकसद नहीं होता। दो पैसा हर चीज होता है, बट स्टिल जो एक इनर सेटिस्फैक्शन होता है वो पैसा नहीं दे पाता। सो कमिंग बैक एंड स्टार्टिंग फ्रॉम द विलेज, ये इसलिए मन बना क्योंकि हम आज भी एक ऐसे देश में रहते हैं जहां 65% लोग जो हैं वो गांव में रहते हैं। तो जब मैं एसी कमरों में पॉलिसी मेकर्स को आज ये सुनती हूं, वो कहते हैं अरे हमें तो गांव को मुख्य धारा में जोड़ना है, तो मेरे दिमाग में प्रश्न आता है कि आखिर मुख्य धारा में है कौन, क्योंकि हम फिर उस ऐसे ही कंट्री में रहते हैं जहां एग्रीकल्चर आज भी हमारा मेन बिजनेस है। सबसे ज्यादा जरूरत, अगर हम आज इंडिया को डेवलप करने की बात करते हैं या हम सोचते हैं कि हम आने वाले समय में यूएसए को ओवरपावर कर पाएंगे, तो हम ये नहीं भूल सकते कि हमारी जो जड़ें हैं
वो गांव से शुरू होती, ग्रामीण क्षेत्रों से शुरू होती हैं। अब कोई भी चीज है वो शहरों में नहीं आ सकती। ये तो जो शहर का ट्रेंड है, ये बहुत से बहुत मुझे लगता है आजादी के बाद का ट्रेंड है। तो जो भी चीज है, जो भी जरूरत है आज के समय की, वो गांव से शुरू होती है। एंड ऑब्वियसली मैंने तो वहां प्लान किया था कि मैं एक एनजीओ पुटअप करूंगी और मैं वहां से महिलाओं के लिए काम शुरू करूंगी। बट हम आज का जो यूथ है वो इतना अवेयर है और उसे पता है कि व्यक्ति का काम और व्यक्ति का व्यवहार, यही दो चीजें हैं जो आपको आगे लेके जा सकती हैं, और इसके अलावा तीसरी कोई चीज नहीं है। तो मैंने अपने काम को अपनी प्रायोरिटी बनाया और अपने इसी व्यवहार के साथ वहां काम शुरू करा। तब वहीं के बुजुर्गों को लगा कि नहीं, अगर सरपंच की पोजीशन के लिए कोई एप्ट है तो वो एक एजुकेटेड महिला सरपंच। तो ये एक छोटी सी जर्नी है। दैट्स इट। नहीं, आपने एक मिसाल कायम की है, आप तीनों ने, और इसके लिए आप तीनों साधुवाद के पात्र हैं, तीनों को बधाई भी। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सवाल हम ही पूछे जाएंगे सारे, आप लोग भी, अगर आपको लगता है कि आप भी इन तीनों से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। ये कार्यक्रम आपका है, आपके लिए है, ठीक है। तो जो भी सवाल पूछना चाहे बिल्कुल सीटी मत बजाइएगा, जोर से चिल्ला दीजिएगा, माइक आपके पास पहुंच जाएगा, आप सवाल पूछिएगा। हाँ, अरे हमें तो पूछ लेने दो यार, एक दो, ठीक है। विश्वास जी, आपके मंत्रालय के बारे में बात करेंगे, उसके कामकाज के बारे में बात करेंगे, युवाओं के लिए आप क्या कर रहे हैं वो बात करेंगे, गैस पीड़ितों के लिए आप क्या कर रहे हैं, सहकारिता में आपका क्या काम है, सब चर्चा जरूर होगी। लेकिन सबसे पहले ये कि वो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां पर मुसलमानों का की बहुतायात है या उनकी बहुत ज्यादा आबादी है, उनसे सामंजस्य कैसे बैठा, कैसे उन्हें विश्वास ने यह विश्वास दिलाया कि आप मुझे वोट दे सकते हैं? सईद भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं जो बात बोलूंगा ये मत सोचिएगा कि मैं केवल इसलिए बोल रहा हूं कि मुझे बोलना है, पर सही मायने में मैं ये मानता हूं कि इस देश में आज भी सियासत के अलावा हिंदू और मुसलमान में कोई भेद नहीं है। सियासत में जरूर होगा। यदि हम थोड़ा सा पीछे जाएं, 1857 का जो पहला हमारा स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, सईद भाई आप जानते होंगे, उसकी शुरुआत इस देश में मौलवी और पंडितों ने मिलकर की थी, एक हाथ में कमल और एक हाथ में रोटी लेकर। उस समय भेद नहीं था हिंदू और मुसलमान का। यह बात सही है कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुतायत मुस्लिम है। पहले चुनाव में मुझे उनका उतना समर्थन नहीं मिला, पर जब मैं चुनाव जीत के गया तो मैंने फिर कोई अंतर नहीं किया डेवलपमेंट में। मैंने यह नहीं देखा कि किस घर पर मेरा झंडा लगा था या नहीं लगा था। मैंने यह नहीं देखा कि किस गली से मुझे वोट मिले थे या नहीं मिले थे। मैंने यह नहीं देखा कि किस बूथ से मैं जीता था या नहीं जीता था। जब मुझे नर्मदा मेरे क्षेत्र में लाने की बात हुई तो मैंने हिंदू के लिए भी नर्मदा लाने का काम किया और मुस्लिम के लिए भी किया। और मैं ये बात कहना चाहता हूं ताकत के साथ कि मेरी नरेला विधानसभा में आज यदि हिंदू बहनें शिव जी का अभिषेक करती हैं तो वो भी नर्मदा के जल से करती हैं, और मुस्लिम भाई नमाज के पहले वुजू करते हैं तो वो भी नर्मदा के जल से करते हैं। मैंने भेद नहीं किया, तो उनका विश्वास हुआ और मुझे जीत मिली, और उसके लिए मैं मेरे सभी वोटर्स का बहुत धन्यवाद देता हूं। जय, क्या ऑपोजिशन एमएलए होने पर कभी ये लगा कि क्षेत्र में काम मुश्किल हो रहा है, फंड नहीं मिल पा रहे हैं, या कितना मुश्किल होता है काम करवाना, या आसानी से करवा पाते हैं आप? काफी अच्छा क्वेश्चन है साहिद भाई। शुरुआत में ऐसा लगता था, लेकिन जो आम प्रक्रिया रहती है कोई भी काम सैंक्शन कराने में, कोई भी फाइल मूव कराने में, मैं मेरे यहाँ पे जो सभी स्टूडेंट्स हैं, मैं आप सब से अर्ज करना चाहता हूँ कि कोई भी अगर आपको सड़क भी बनवानी हो तो उसकी एक प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होता है, जो आपके क्षेत्र से जाकर भोपाल पहुँचता है, राजधानी पहुँचता है, फाइल वहाँ पर वल्लभ भवन जो मेन ऑफिस है वहाँ पर फाइल जाती है, और फिर अनेक ब्यूरोक्रेट्स के माध्यम से फिर जो विभागीय मंत्री हैं उनके द्वारा फिर स्वीकार होती है। और मैं मानता हूँ जहाँ तक काम का सवाल है, कोई भी ऐसा अधिकारी ऐसा नहीं है जो काम रोकता है, और जो मंत्री भी है वो भी कभी काम रोकते नहीं है, क्योंकि आखिर जब हम बात करते हैं विकास के बारे में तो सब मिलकर करते हैं, यहाँ पर कोई ऐसा भेदभाव नहीं होता है। लेकिन ये जरूर है
कि फाइल कभी कभार खो जाती है, लंबी घूमती है, तो वो एक जो नेता है या जो जनप्रतिनिधि है, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, पार्षद हो, आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप उसको फाइल को कैसे फॉलो करोगे, उस कैसे ढूंढोगे। लेकिन अगर आप उस फाइल पर अच्छी तरह से निगरानी रखोगे तो आवश्यक आपका काम होगा। उस पर थोड़ा काम टाइम लगता है लेकिन फॉलो करना चाहिए और फॉलो करना पड़ता है। और मैं मानता हूं कोई भी विधायक हो, अगर आप निष्ठा से आप काम करोगे तो काम होते रहेगा, क्योंकि बजट आजकल बहुत आती है, अनेक काम के लिए आती है, चाहे वो बिजली की समस्या हो, पानी की समस्या हो, तो ये तो होती हैं जो बड़ी समस्याएं होती हैं। लेकिन चैलेंज होता है कि जब इंडिविजुअल काम आते हैं, नौकरी दिलवा दीजिए, पढ़ाई की फीस हमसे हम भर नहीं पा रहे हैं, उसमें कुछ कंसेशन मिल जाए, तो ऐसे काम में मैं बहुत समय सोचता हूं कि मैं 100% सफल तब होऊंगा जब हर व्यक्ति मेरे क्षेत्र में आत्मनिर्भर होगा। तो वो बहुत बड़ा चैलेंज है कि आप हर व्यक्ति को कैसे आत्मनिर्भर करोगे, ताकि वो सिर्फ स्कूल की फीस ही नहीं लेकिन जो उसकी मेडिकल की व्यवस्था है, स्वास्थ्य के संबंधित जो समस्या है, वो भी खुद ही वो पूर्ण कर पाए, ये सबसे बड़ी चुनौती होती है। बहुत बढ़िया। मिश्रा जी निकल गए क्या? खुश होना चाहिए था जयवर्धन जी की बात सुन के आपको कि अधिकारी जो वो काम करते हैं, फाइल रुकती नहीं है। नहीं नहीं, उन्होंने ये भी ऐड किया कि मंत्री भी करते हैं। नहीं नहीं नहीं, आप ठीक है, थैंक यू वेरी मच। भक्ति जी, क्या महिलाओं को पॉलिटिक्स में रिजर्वेशन चाहिए आपको लगता है? बहुत सीधा क्वेश्चन है। हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं। दो सवाल हैं इस बात के कि क्या महिलाएं कमजोर हैं? तो अगर नहीं है, क्योंकि अगर होती तो वे बैक इन 1970s क्या इंदिरा गांधी जी जो हैं वो यूएसए को चुनौती देती? और प्रेजेंट कंटेक्स्ट में वन ऑफ द फाइनेस्ट पॉलिटिशियन टुडे इज सुषमा स्वराज जी। अब क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं तो सबसे निर्मला जी को जोड़ दीजिए। हाँ जी, निर्मला सीतारमण। अब अलकम 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 या सो बिकॉज शी इज द रीसेंट वन। अब उनके काम की प्रणाली को हम देखेंगे। द पॉइंट, द होल पॉइंट इज, अब एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहने के बावजूद महिलाओं को जिस चीज की जरूरत होती वो होता है बहुमत। क्योंकि हमें जब अपने बिल्स पास करवाने हैं, एंड अभी हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में वी आर क्लोज टू 24%, वी नॉट इवन 33%। सो दिस इज बेसिकली टू बी वेरी ट्रू टू यू कि एक वो जो एक मेंटेलिटी है, जो एक सोच है, उसको बदलने के लिए हमें एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम रिजर्वेशन की जरूरत है। बट आई थिंक ये सिर्फ चार टर्म्स की बात है और उसके बाद ये ना हो कहीं पुरुषों को रिजर्वेशन की जरूरत पड़ जाए। अच्छा, हमें लगा था कि सारंग जी और जय जी दोनों रिएक्ट करेंगे। इसमें मेन पॉइंट ये है कि अगर आप देखें, वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर महिला है, बीएसपी की मुखिया महिला है, कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष महोदया श्रीमती सोनिया गांधी जी महिला है, तो हर स्पीकर सुमित्रा महाजन जी महिला है, डिफेंस मिनिस्टर, तो वैसे भी काफी ऐसे लीडर्स हैं आज इंडिया में। और कहीं ना कहीं जो सियासत का जो है भारत में, उसमें कहीं ना कहीं महिलाएं बहुत आगे हैं। चाहे हम बात अलग है आरक्षण की, लेकिन आज के समय में काफी महिलाएं ऐसे हैं जिन्होंने काफी तरक्की की है पॉलिटिक्स में, इंडिया में। और पॉलिटिक्स को छोड़ के मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगी कि महिलाएं मार्जिनली, चाहे आप सीबीएसई के रिजल्ट्स देखें, चाहे आप आईआईटीज देखें, चाहे आईएम्स देखें, दे मार्जिनली अपर देन द बॉयज इन द मेल सेक्शन। तो सिर्फ हम पॉलिटिक्स की बात करें तो हमें एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम नहीं। भक्ति भक्ति, मैं और उससे भी आगे की बात करूंगा। हमारी महिला, देखो, हमें लक्ष्मी चाहिए, हमें पैसा चाहिए तो किसकी पूजा? लक्ष्मी जी, लक्ष्मी की। हमें ताकत चाहिए, किसकी पूजा? दुर्गा की। हमें ज्ञान चाहिए, किसकी पूजा? सरस्वती की। तो तीनों महिलाएं ये जबरदस्ती रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं। अब सिर्फ चार टर्म, अब लड़कों ने ज्यादा ताली बजाई।
अच्छा दोस्तों, आप लोग सवाल पूछे, माइक आप तक पहुंच रहा है जी, उससे पहले एक दो सवाल हम पूछ रहे हैं। कहा है भाई, नजर नहीं आ रहे हैं बच्चे, कहा है माइक वाले हमारे, या हम ही आए? हाँ आ जाओ, आ जाओ। और उससे पहले आप तीनों से एक एक शुरू करते हैं। विश्वास जी आपसे शुरू करते हैं, आप इन बच्चों को किस तरह से मोटिवेट करेंगे, क्योंकि जो मेहनत आपने की, पॉलिटिक्स को आपने अपना करियर बनाया, ये भी आज हमारा टॉपिक भी है। आप तीनों से हम ये भी जानना चाहेंगे कि पॉलिटिक्स में पढ़े लिखे युवा क्यों ना आए, आप जैसे तीनों, क्यों ये सिर्फ जाकर बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल्स में काम करें, सिविल सर्वेंट बने, क्यों नहीं राजनीति में आकर ये सेवा भी करें? और राजनीति में ऐसा नहीं कि सिर्फ सेवा करें, बेचारों को मेवा ना मिले, तो क्या राजनीति में मेवा भी मिलता है? विश्वास जी, मैं सईद भाई की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि इस देश में, खासकर यदि हम लोकतंत्र में रह रहे हैं, तो हमें यह विचार जरूर करना पड़ेगा कि एंड ऑफ द स्पान हम सब राजनीति से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जुड़े ही हैं। अब यह अलग बात है कि बहुत सारे बातें होती हैं, और खासकर आज का जो माहौल है उसमें राजनीति को थोड़ा अलग रखा जाता है, और यह सोचा जाता है कि जो राजनीति में है या जो राजनीतिज्ञ है वो केवल गलत करता है। ऐसा नहीं है। और गलत क्यों करता है? इसलिए करता है, यदि वो गलत कर रहा है कि अच्छे लोग वहां नहीं है। यदि अच्छे लोग मल्टीनेशनल में चले जाएंगे तो खराब लोग राजनीति में आएंगे। इसलिए यदि पढ़े लिखे युवा राजनीति की तरफ आते हैं तो निश्चित रूप से इस देश की राजनीति भी ठीक होगी और इस देश का भविष्य भी ठीक होगा। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, बस एक थोड़ा सा, किसके लिए घंटी बजी है? मेरे लिए? ये हमारा शो खत्म करने की घंटी तो नहीं है? शो खत्म करने की घंटी है? नहीं, हम नहीं कर रहे हैं खत्म, अभी कर दें क्या खत्म? गलती से बच गई है। जैसा मैं कह रहा था कि, पर एक बात पे मैं थोड़ा सा, मेरी आपत्ति है। आपने बोला सब्जेक्ट, उसको आपने अभी जब आप इंट्रोड्यूस कर रहे थे ये प्रोग्राम, जब आपने ठीक कर लिया, लिखा था पॉलिटिक्स एज प्रोफेशन, मेरा विरोध है। पॉलिटिक्स एज करियर मेरा समर्थन है। प्रोफेशन की बात, जैसा जय ने कहा, निश्चित रूप से पैसे की जरूरत है, पर यदि हम प्रोफेशन बनाएंगे, हम ये सोचेंगे कि हम राजनीति से पैसा कमाएं, तो फिर वही होगा जैसा मैं कहना चाहता हूं। देखिए, आजादी के पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहा गया, क्या कहा गया? जिसने इस देश की आजादी का नेतृत्व किया उसको नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहा। और मेरी बात पर जयवर्धन बिल्कुल सहमत होंगे कि आज मैं घर से बाहर निकलता हूं, या जयवर्धन निकलते हैं या भक्ति निकलती है, और कोई ये बोलता है कि नेताजी कहां जा रहे हो, तो हमें लगता है हमारा मखौल उड़ाया गया, हमारा मजाक उड़ाया गया। कहने का मतलब यह कि नेता को इतना डिटोरिएट कर दिया है, उसको यदि ठीक करना है तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि प्रत्यक्ष आओ या अप्रत्यक्ष आओ, राजनीति में जरूर आओ। यदि राजनीति में नहीं आओगे तो राजनीति ठीक नहीं होगी। आप तीनों से, हाँ आप दोनों को भी सलाह देनी है, लेकिन आप तीनों से बहुत सारी बातें करनी थी, और आपकी पॉलिटिकल तो सब जानते हैं आप तीनों के बारे में, सारे भोपाल के लोग भी और बच्चे भी। एक सेकंड बेटा, लेकिन हमें आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत कुछ जानना था तीनों। जैसे जय को जबरदस्त शौक है म्यूजिक का, तो आपके क्या शौक हैं, आप क्या करती हैं, क्या करना चाहती हैं? लेकिन मुख्यमंत्री जी आ गए हैं, शिवराज जी, तो अगर आप लोग रुकेंगे तो हम दोबारा आपके साथ बैठेंगे एक बार फिर से। और बच्चों आपसे भी सॉरी, हम एक बार फिर से सबको लाएंगे, तीनों को, आपके हीरोज को, और उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, तो मैं इसके लिए क्षमा, लेकिन बहुत धन्यवाद सईद भाई। मैं तीनों की ओर से यदि मैं बोलूं ना थोड़ा सा, देखिए, एक कहा जाता है जो करेगा उसका भी भला और जो नहीं करेगा उसका भी भला। आप बुलाओगे तो भी भला और नहीं बुलाओगे तो भी भला। बहुत धन्यवाद। नहीं, एक सेकंड। लेकिन हम आप लोगों को, आप तीनों को, आइए थोड़ा सा आगे आ जाइए, हमेशा बुलाएंगे, एक छोटा सा आपका स्वागत। हम वीआईटी के चेयरमैन, आप बहुत धन्यवाद सर, शुक्रिया आपका, आपने समय निकाला और
ये जोरदार स्वागत सिद्ध करता है कि आप क्या हैं और युवा मन में आपके लिए कितना सम्मान है। बहुत धन्यवाद यहां आने के लिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, एक बार फिर से आपका धन्यवाद और स्वागत। जल्दी से हम वीआईटी के चांसलर विश्वनाथन जी को आमंत्रित करेंगे कि हमारे मेहमानों का स्वागत करें, सम्मान करें। बहुत शुक्रिया विश्वास जी, थैंक यू भक्ति जी, थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद।